नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, ऐसे बहुत से डिफरेंट लैंग्वेज है, मुझे भी पता है। और मुझे उन सब लोगों को विश करना है तहे दिल से, क्योंकि ये सब आज जो मैं टॉपिक पे बात करने चाहता हूँ, ये सब उन जैसे मेरे भाइयों लोगों के लिए। और आप लोगों को एक बहुत ही सनसनी खबर बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से भी एक बड़ा वायरस आज हिंदुस्तान में फैल रहा है। वो किसको भी नहीं पता है, डरिए मत। मेरा ये जो पूरा बात होने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ये कोरोना से भी भयंकर वायरस है। क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये ऊपर वाला, ये जो दुनिया का ये सृष्टि को जिसने बनाया है, आज उसने ही कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। मेरा बोलने का मतलब जो ऊपर वाला बनाया, वो भले भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, जिसके नजर में जैसा हो उसके हिसाब से मैं बोलना चाहता हूं। जब उन्होंने कब भेदभाव नहीं किया, तो हम जैसे आम इंसान भेदभाव करके आज पूरे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये कोरोना का जो मेन मुद्दा है, कोरोना का जो मेन टॉपिक है, उसको साइड में रखे आज हम लोग कुछ दूसरे ट्रैक में चले जा रहे। आज मेरा आने का एक ही एक मकसद है, रीजन ये है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में बैठ के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डाला है, कुछ अच्छे डाले, कुछ बुरे डाले, लेकिन कुछ अनपढ़ और गवार लोगों ने, जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या कोई भी हो, जो एक दूसरे को ललकार कर, एक दूसरे को जात मजहब के ऊपर एक दूसरे को ललकार कर, आज नए ये वायरस से भी बड़ा भयंकर, जो बोलता है ना, वायरस पैदा करके आपस में झगड़ा करा रहे। मैं मानता हूं आज एक हिंदू भाई का जितना दोस्त अगर मुसलमान भाई भी है, उतना एक मुसलमान भाई का दोस्त हिंदू भी है। आज हम लोग त्योहारों में, जैसा हिंदू भाई अगर जितना हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी शामिल होते हैं, और मुसलमान भाइयों के हर एक त्योहारों में हम लोग भी हिंदू भाई लोग शामिल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम लोग सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर अनपढ़ गवार लोग, फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूं, जानवर अनपढ़ गवार लोग, उन जैसे लोगों के लिए पूरा मजहब, पूरा जात, आज बोलना है ना, आज पूरा मुसलमान, एक हिंदू अपने आप के ऊपर और एक क्रिश्चियन, सब अपने आप के ऊपर बोले ना उंगली उठा रहे, जिसके वजह से आज बहुत ही तकलीफ हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा सिचुएशन आया, बहुत से टॉपिक भी मैंने लिख के रखा हो, इसलिए मैं ये चाहता हूं गवर्नमेंट से कि ऐसे जो गलत वीडियोस जो स्क्रोल करते, जो गलत और ऐसे इंसानों को अगर कोई भी बोलता है ना भड़का रहे जात पात की वजह से, ऐसे लोगों को पहले गवर्नमेंट इमीडिएटली ये डिक्लेयर करे, गवर्नमेंट ही नहीं हम लोग भी डिक्लेयर कर दें वो एक आतंकवादी के इसमें, उसको कंसीडर करके और उसको बोलते ना एक आतंकवादी के रूप में घोषित करके उसको ऐसे सख्त कड़ी सजा दे। क्योंकि ऐसे लोग ही होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करके सब लोग को अलग अलग करवा देते हैं। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं कि मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैं अपने भगवान या मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों के अल्लाह को, या मेरे पूरे ब्रदर्स जो भी है उनके गॉड को, किसी को भी झुकता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। तो प्लीज मेरी सबसे यही दरख्वास्त है और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं किसी भी पर्सनली जात पात पे किसी की भी सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। और प्लीज ऐसे लोगों को पहले बहिष्कार कर दो जो अपने आपस में झगड़े करा रहे। और आज ऐसा सिचुएशन है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में, मेरे जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन आई, लॉकडाउन का सिचुएशन हो या हर एक का, जिसमें हम लोग घर बैठ के और ये सिचुएशन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो मैं मानता हूं ये जो पांच उंगलियां है, जैसे मेरे मानने के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, इसमें एक हिंदू, एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन, एक बुद्ध और एक ईसाई, ये सब ये पांच उंगलियां ये पूरे वैसे। और ये पांच उंगलियां जब बन जाता तो यही तो बोलते हैं ना, इसको मुट्ठी बोलते हैं। और ये मुट्ठी जब साथ में मिलकर आगे किसी भी चीज का हम लोग सामना कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस का जो भी है, हम लोग को सब लोगों को मिलकर इसे लड़ना है,
और इससे लड़ने के पहले हम लोग को आपस में नहीं लड़ना, हम लोग सब लोगों को मिलकर रहना। सो प्लीज मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हम लोग सब लोग मिलकर रहे और एक दूसरे का साथ दे। और मुझसे अगर बात कोई भी अगर बोलने में कुछ भी गलती हो गई या किसी से किसी भी, मैं तो पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी जात पात पे मुझे उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं। इसके लिए अगर मेरे बोलने में अगर कोई गलती भी हो तो मुझे माफ कीजिए, बट आपस में मिलकर रहो, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।